एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. नेक्स्ट टॉपिक इज अँगुलर मोमेंटम. And its conservation. ठीक है. Now what is angular momentum? So see, हम लोग ने पढ़ा है linear momentum. What is linear momentum? Linear momentum का मतलब होता है it is denoted by p bar and which is equals to mass into velocity. ठीक है. When a body is moving in a when a body is performing a translatory motion or moving in a straight line, then the motion or the momentum with which it is moving is called as linear momentum, and it is given by P, which is equals to mass into velocity. Now we have to know what is angular momentum, right? Okay. So angular momentum is nothing but L is equals to R into P. एंगुलर मोमेंटम इज इन दोनों का प्रोडक्ट होता है. ठीक है. मैग्नीट्यूड वाइज बात करें एल इज इक्वल्स टू आर इंटू पी एंड पी इज वॉट मास इंटू वेलोसिटी. सो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आर एम वी. अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो एल बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस पी बार. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. ओके. अब हमको इसको करना है डिराइव. तो कैसे डिराइव करेंगे. चलिए सपोज एक बॉडी है. कुछ पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं. दिस होल बॉडी इज मूविंग. दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस. बॉडी इस प्रकार बॉडी घूम रही है, रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रही है अलॉन्ग वाई एक्सिस. ठीक है. इसके क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी अगर मैं कंसीडर कर लूँ अलॉन्ग वाई एक्सिस इज ओमेगा. यहाँ पे पार्टिकल का मास m1 ले लेता हूँ, पार्टिकल का मास m2 ले लेता हूँ, पार्टिकल का मास m3 ले लेता हूँ. इसका यहाँ से डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूँ r1, यहाँ से डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ r2, यहाँ से डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ r3. ठीक. तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा अगर इसकी वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं v1, इसकी वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं v2, इसकी वेलोसिटी कंसिडर कर लेते हैं v3. बट क्योंकि ये तीनों पार्टिकल्स एक ही बॉडी के अंदर है तो v1 will be equals to v, this will be equals to v, this will be equals to v, क्योंकि तीनों की linear velocity सेम हो जाएगी. ठीक है. ओके. सो p1 will be equals to m1 v1, p2 will be equals to m2 v2 and p3 will be equals to m3 v3. Now we know that l is equals to what? R into p. So l1 will be equals to what? r1 p1. That will be r1 m1 v. L2 will be equals to R2 P2, that will be R2 M2 V. L3 will be equals to what? R3 P3, that is R3 M3 V. सही यहाँ तक. अच्छा. V equals to क्या होता है? R into omega. So यहाँ पे R1 M1 and V will be equals to R1 omega 1. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा इसको v1 v2 v3 लेते हैं. तीनों की लीनियर वेलोसिटी, सॉरी तीनों की लीनियर वेलोसिटी कैसे रहेगी? अलग अलग. ठीक है. क्योंकि उनका डिस्टेंस एक्सेस से अलग अलग है तो तीनों की लीनियर वेलोसिटी कैसे रहेगी? अलग अलग. सो v1 r1 ओमेगा 1 हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा m r1 स्क्वायर ओमेगा 1. यहाँ क्या हो जाएगा r2 m2 r2 ओमेगा 2. सो दिस विल बी m 1 m2 r2 square omega 2 और यहां पे क्या जाएगा r3 m3 r3 omega 3, that is m3 r3 square omega 3 square. सो अगर मैं इन तीनों का समेशन कर दूं, टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर इन तीनों पार्टिकल्स का अगर निकालना है, और फॉर एग्जांपल इस बॉडी में सिर्फ तीन ही पार्टिकल्स है, then total linear momentum will be equals to L1 plus L2 plus L3, right? So तीनों का addition जब होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? Total mass. यहाँ से क्या मिल जाएगा? Radius. और यहाँ से क्या मिल जाएगा? Omega. So m1 r1 square omega 1 plus m2 r2 square plus sorry m2 r2 square omega 2 plus m3 r3 square omega
3. सो टोटल निकालने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m समेशन ऑफ r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब एक बात अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि ये सिंगल बॉडी थी तो इन तीनों के एंगुलर मोमेंटम क्या रहेंगे, सेम, यानी m ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 विल बी इक्वल, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 विल बी इक्वल। सो यहां से मैंने लिख लिया ओमेगा ओमेगा ओमेगा, क्योंकि तीनों इक्वल है। सो समेशन करने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं ओमेगा क्योंकि कॉमन है बाहर निकाल दिया, तो समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, एम वन आई इक्वल्स टू 1 2 3 कर दिया, एम आई आर आई स्क्वायर, और हमको पता है एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई। सो यहां से मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। सो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एंगुलर मोमेंटम। अब इसको याद करने का तरीका देखिए, हमको पता है p इज इक्वल्स टू वी एम इंटू वी होता है, m जिस प्रकार लीनियर मोशन में मास जो काम करता है वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, जो काम लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी करती है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी करती है। तो l इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन इसका डेरिवेशन आ सकता है, देन वी विल सी दैट इट्स कंजर्वेशन। तब देखिए कंजर्वेशन में कैसा होता है, हमको निकालना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब रहता है, क्यों रहता है और किस लिए रहता है, तो इसके स्टार्टिंग में अगर आप बुक में देखेंगे तो एल इज इक्वल्स टू एल बार इक्वल्स टू क्या आ गया, आर बार क्रॉस पी बार। हमने क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड्स, तो डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो डी बाई डी टी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार। इसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे मिलेगा, दोनों एक एक बार डिफरेंशिएट होंगे, ठीक है, यू इन टू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आर बाहर किया पहले, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको बाहर किया और इसको डिफरेंशिएट किया, राइट। अब हमें पता है डी आर बाई डी टी, रेडियस तो कॉन्स्टेंट है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो। तो यहां से क्या बचेगा, आर क्रॉस डी पी बाय डी टी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, डी पी बाय डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, एफ, और डी एल बाय डी टी यहां पे हम इसको बोलते हैं टॉर्क, डी एल बाय डी टी को क्या बोलते हैं, टॉर्क। सो टी टॉर्क इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार, ये एक नया फॉर्मूला हमको मिल गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार। अब एफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दैट मीन्स अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है और उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, देन यहां पे जीरो हो जाएगा, देयर फोर हमें क्या मिलेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों टॉर्क जीरो मिल गया, क्योंकि एफ की वैल्यू जीरो, और टॉर्क इक्वल्स टू जीरो मिला है मतलब बेसिकली क्या मिला है, डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। और डिफरेंशिएशन में हम जानते हैं अगर किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो आता है, दैट मीन्स दैट टर्म इज वॉट, कॉन्स्टेंट। सो देयर फोर एल बार विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कब कॉन्स्टेंट रहेगा, जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा, जीरो। आई रिपीट, नेट एक्सटर्नल फोर्स, है ना, नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिर्फ सिंगल फोर्स नहीं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं अगर उनका सबका एडिशन जीरो हो जाता है, देन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, एंड इन दैट केस टॉर्क विल बी इक्वल्स टू जीरो। और टॉर्क इक्वल्स टू जीरो है मतलब डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो है, और डी एल बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो है मतलब एल जो है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। और अगर एल कॉन्स्टेंट रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस एल इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, दैट मीन्स आई इन टू ओमेगा इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। इसका मतलब अगर कोई बॉडी सपोज I1 से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली I1 था और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी, अब सपोज ऐसा हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज होना पड़ेगा, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा है, कॉन्स्टेंट। सो हमेशा ये बैलेंस करते रहते हैं एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा वो क्या बोलते हैं,
अगर कोई लड़की हाथ फैला के ऐसा गोल गोल घूम रही है, आप अपनी जगह पे गोल गोल घूम रहे हो, हाथ फैला रहे हो, तो अभी आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अपने हाथ नीचे कर लिए तो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आपका जो मास है वो पास में जाएगा अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, और जैसे ही हाथ नीचे करोगे तो आपका रोटेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, जिमनास्टिक में आप देखते हैं कि उस प्रकार जब आइस के ऊपर वो लोग रोटेट करते हैं तो उसका एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सो आई वन ओमेगा वन हमेशा कैसा होना चाहिए? कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट होना चाहिए? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो क्या होता है? टॉर्क जीरो होता है। ठीक है, या टॉर्क क्या होता है? डीएल बाई डीटी। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके,